बढ़ते आगे बात करेंगे माफिया की बढ़ती मुश्किलों की। जी हां, मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। मऊ में शासन के निर्देश पर अंसारी गैंग के गुर्गों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। प्रशासन गैंग के आर्थिक साम्राज्य के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने में जुटा हुआ है। प्रशासन ने 76 लाख की 4 बसों को सीज करते हुए उन्हें सील कर दिया है। पुलिस लाइन कैंपस में उनको खड़ा कर दिया है। जिले में मुख्तार गैंग का कब्जा, निर्माण ठेका, मछली मंडी सहित टैक्सी स्टैंडों पर है, जिस पर अब प्रशासन का डंडा चल रहा है। प्रशासन अब उन तमाम अवैध संपत्तियों पर कब्जा कर रहा है। जो गाड़ियां हैं उन पर भी अब सील की कार्रवाई की जा रही है। जो बस आप देख रहे हैं ये भी सील कर दी गई है और इन्हें पुलिस लाइन लाया गया है। मुश्किल में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी, डॉन के खिलाफ कसने लगा कानूनी शिकंजा। गाजीपुर मऊ से लेकर लखनऊ तक कार्रवाई, 40 करोड़ की अवैध संपत्ति कब्जा मुक्त कराई। जिस मुख्तार अंसारी की पूरे पूर्वांचल में तूती बोलती थी, जिसने अपने दबदबे की बदौलत कई जिलों में अवैध कब्जे कर रखे थे, उनके खिलाफ अब यूपी पुलिस की कार्रवाई हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी पर प्रशासनिक शिकंजा कसता जा रहा है। गाजीपुर मऊ सहित पूरे पूर्वांचल में डॉन से जुड़ी हुई अवैध संपत्ति के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। लगभग 40 करोड़ की अवैध संपत्ति को मुक्त कराया जा चुका है डॉन और उसके रिश्तेदारों द्वारा, और इसके साथ ही 30 से ज्यादा शस्त्रों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे मऊ हो, चाहे पूर्वांचल का कोई भी जिला हो, डॉन से जुड़ी हुई अवैध संपत्तियों की जांच की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। मऊ, गाजीपुर और लखनऊ में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हुई अब तक की कार्रवाई में करीब 40 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। मुख्तार और उसके गुर्गों ने गाजीपुर की कई सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था, जिसमें एफसीआई गोदाम के पास सरकारी जमीन के अलावा मंगई नदी पर बनवाया एक अवैध पुल भी शामिल था, जिसे प्रशासन की कार्रवाई में ढहा दिया गया। इसके अलावा मऊ में भी एक अवैध बूचड़खाने को ध्वस्त करने के अलावा पत्नी और साले के नाम पर बनाए गए अवैध गोदाम को ढहा दिया गया है, जो मुख्तार ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनवाया था। इसके अलावा गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में एक अवैध होटल का भी पता चला है, जिसे कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था और अब होटल को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए, निश्चित तौर पे मुख्तार अंसारी के खिलाफ हम लोग उन्हें समेटने का प्रयास कर रहे हैं। उनके जो गुर्गे हैं उनको गिरफ्तार करने का, उनको दंड देने का काम प्रारंभ हो गया है, जिसके तहत एक दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। मुख्तार अंसारी ने अपने अपराध और सियासी दबदबे की बदौलत न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि यूपी के कई हिस्सों में अवैध तरीके से अपना साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन कानपुर के बिकरू कांड के बाद माफिया और अपराधियों के खिलाफ शुरू हुई योगी सरकार की कार्रवाई में फिलहाल मुख्तार अंसारी और उसके गैंग सबसे ऊपर है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष